दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय एम ढूमने ज्वेलर्स 47C हिमालय एक्सीलेंस नियर पुलिस चौकी प्रताप नगर नागपुर। आप गूगल पे फोन पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हो तो यह खबर आपके लिए है। अगर कोई आपको फोन पर बोले कि मैं गूगल पे का फोन पे का मैनेजर बात कर रहा हूँ तो उस पर विश्वास करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। हुड़केश्वर पुलिस थाना हद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें ज्ञानेश्वर विंसुरकर नाम के व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पे का मैनेजर हूँ बताकर 46,000 का चूना लगा दिया। इस मामले में हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। 420 और आईटी एक्ट का है। इसमें फिरियादी जो है ये मेडिकल मतलब इनकी फार्मेसी है ज्ञानेश्वर विंसुरकर करके, तो इनको एक बंदे ने फ़ोन किया 7 तारीख को कि भाई हम फ़ोन पे के मैनेजर बोल रहे हैं, ये मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस जो है ये फ़ोन पे से करते हैं, तो फ़ोन पे के मैनेजर बोल रहे हैं और आपको 5,000 रुपये का लकी ड्रॉ लगा है, तो आपको मैं आप लिंक भेजता हूँ उस पर आप सारी जानकारी डालिए। इस तरीके से आया, फिर उसमें OTP आया जो उन्होंने शेयर किया और उसके बाद उनके अकाउंट से 5 बार 4,889 इस तरीके से 5 बार और 2 बार 25,999 इस तरीके से उनके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो गए इनके परमिशन के बिना। बिल्कुल, ये सारी ही जो चीज़ें हैं मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ और सबको ये एक जिसको हम लोग इकोनॉमिक डिसिप्लिन बोलते हैं या इकोनॉमिक लिटरेसी बोलते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होता है, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो सेफली करना ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको लोन आपको मिल गया है या आपको ये बोल रहा है कि आपकी लॉटरी मिल गई है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ बिना कोई इसके मिलती नहीं है, मतलब फोकट में कोई चीज़ नहीं मिलती है। ये बेसिक चीज़ हर इंसान ने अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आपको कोई लॉटरी ऐसे ही लग नहीं जाती, कोई लॉटरी इस तरीके से नहीं लगती। अगर आपने देखा होगा तो हम जो लॉटरी निकालने वाले भी होते हैं तो 100 बार लॉटरी निकालते हैं तो शायद कभी एक आध बार लॉटरी लगती है, वो भी उतना पैसा खर्च करने के बाद। तो इस तरीके से कोई लॉटरी लगती नहीं है। अगर आपको कोई मोबाइल पे मैसेज आ रहा है या कोई कॉल करके बता रहा है तो इस तरीके की चीज़ों पे आपने तुरंत सावधान हो जाना है, और अगर उसके बाद आप उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हो तो हर कदम पे आपने ध्यान रखना है। कोई भी लिंक कोई भी भेज रहा है और उसको आप ओपन कर रहे हैं तो ये चीज़ करना एक्सपेक्टेड नहीं है। जहाँ तक हो सके वो बंदा जिसको आप पहचानते हैं और उसने कोई चीज़ किसी इम्पोर्टेंट चीज़ है करके लिंक भेजी है वो बात अलग है। उसके बाद भी लिंक भेजने के बाद जब आप फॉर्म भर रहे हैं या सारी चीज़ें भर रहे हैं तो हो सकता है एक आध लिंक गलत आ जाए, कभी कभी वो लिंक भी आपके अकाउंट से कनेक्ट होकर पैसे निकल जाते हैं। इस मामले में ऐसे हुआ है कि उसमें उनको OTP वगैरह सारी चीज़ें भरनी पड़ी और अपना इन्फॉर्मेशन देना था, तो इन हर चीज़ पर उन्होंने अलर्ट होके इस चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत थी। अब जो पहली केस हमने बताई थी कि बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हैं, तो 7 लाख का लोन आपको जब मिल रहा है और आप बैंक मैनेजर हैं या अदरवाइज़ भी, मैं सारे लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, कोई भी लोन आपको जब दिया जाता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना और समझना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी भी लोन के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी 5 या 10% से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जितना लोन मिल रहा है उसके 5 या 10% से मैं पैसे किसी को दे नहीं रहा हूँ। मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या? अगर ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कोई बोल रहा है मैं ये इस कंपनी का हूँ तो उस कंपनी का उसका आई कार्ड होगा, उस आई कार्ड को उस कंपनी के वेबसाइट से या वहाँ के किसी फ़ोन नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके ही आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जाइए और हर चीज़ को हर कदम पर आप 10 बार सोच के उसकी पूरी वेरीफाई करके ही आगे बढ़िए। और किसी भी पैसे का ट्रांजैक्शन जो कोई भी किसी भी तरीके का प्रलोभन देता है तो उसके लिए आप एकदम सावधान रहिए।